सके तो जल्दी कर लेगी यार, कोई इश्यू नहीं है, मेहनत करेगी। बोले तेरी ना जय श्री महाकाल हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सब यार, काफी दिनों से मुझे नए ब्लॉग्स मैंने डाले, काफी प्यार मिल रहा है आप सभी का, तो उसके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है नया ब्लॉग बनाने के लिए। कोई नहीं यार, ऐसा ही प्यार बनाते रहो, पूरा ब्लॉग देखो, शेयर करो यार, और अपने को जल्दी 1K करना है, और 100K तो जल्दी कर लेंगे यार, कोई इशू नहीं है, मेहनत करेंगे तो फिर कोई बात नहीं है यार, 100K भी बहुत सिंपल है फिर अगर मेहनत कर रहे हो तो। अपन कोई नहीं यार, चलो जाने दो। जैसे मैं एक्चुअली आपको बताया था, मेरी जो बाइक है उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यार, कुछ स्टार्ट नहीं हो रही थी वो कल, तो कोई नहीं आज अपन स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा मेरी बाइक कैसी क्या है, पहले तो उसको स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे, नहीं हुई तो गैरेज में दिखाएंगे, फिर पेट्रोल भर के फिर अपन एक प्लेस अपना एक मंदिर कवर करेंगे आज। बहुत सारे मेरे पास पुराने कपड़े पड़े थे तो मैं ट्राई कर रहा था, दिख रहा है कितना छोटा आ रहा है, मैंने बहुत सारे चीज़ें ट्राई किए, दो ब्लैक कलर का है, इधर व्हाइट कलर का है, और इधर उधर व्हाइट कलर का है, तो कोई नहीं यार, अपने इसको भी फिलहाल चेंज करते हैं और चलते हैं अपना अपने ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। पहले आरएक्स के पास जाएंगे, आरएक्स को क्या है क्या नहीं देखेंगे, वॉश कराएंगे, वॉश हुआ तो फिर देखते हैं स्टार्ट करके, नहीं हुई तो स्टार्ट गैरेज पे जाके उसको स्टार्ट करेंगे। अपनी गाड़ी की चाबी ये बस है, ये हमारी खास पे नहीं गाड़ी, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ गया हो तो उसका अपन निकालते हैं और कपड़े से पोंछते पहले। एक्चुअली ये साइड से टूट गया है और ऐसी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, पहले गाड़ी निकालते तो सही है। ये चाबी लगाई उसको, चालू किया उसको, बाहर निकालते पहले। ये देखो कितनी कितनी धूल मट्टी दिख रही होगी रोड पे, और ये देखो बाकी गाड़ी ऐसी, ये अपनी रेड वाली गाड़ी आपने जैसे ब्लॉग्स में देखा होगा मेरे, और ये मेरी अर्ली गाड़ी आरएक्स, इसको काफ़ी टाइम से निकाला नहीं है क्योंकि इसको बहुत डैमेज, बहुत चीज़ें डैमेज हुई है, ये सीट अगर है बहुत कुछ चीज़ें डैमेज है, ये यहाँ से भी डैमेज है, इसको भी रिपेयर कराना है। और भैया ये बात, ये मेरे वो हैंडल के साइड का, ये हैंडल भी आज रिपेयर कराएगा। पहले तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर ये कपड़े से पोंछते हैं, फिर आगे देखते हैं यार, पेट्रोल तो भरना पड़ेगा उसमें चालू करने के लिए, वॉशिंग सेंटर जाने के लिए, फिर उसको कपड़ा मारते हैं। चलो निकलते हैं, पहले गाड़ी निकालते हैं। तेरी गाड़ी में पेट्रोल है क्या? नहीं है। ऑब्वियसली पूरी गाड़ी पेट्रोल खाली है यार। एक्चुअली मुझे ही अकेले को ढकल के जाना पड़ेगा यार, कोई नहीं जाने दो, चलते अपन ढकल के चले गए, गाड़ी स्टार्ट तो नहीं हो रही है, देखो फिर से ट्राई करता हूँ मैं। जैसे आपने देखा यार स्टार्ट नहीं हो रही, चलो जाने दो, कोई नहीं यार, देखो मैं ढकल के ले जाता हूँ, पेट्रोल भरता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। देखो गाड़ी ढकलते ढकलते लेके जा रहे यार, ये टूट गया, कुछ अलग ही दिख रहा है, उसको प्रॉपर कराएंगे अपन आज, इन्हें तो कल में, पूरे हैंडल का इश्यू है थोड़ा, उसको ही प्रॉपर कराएंगे। कोई साथ जाता है, अकेला ही जा रहा हूँ, ऐसे तो कॉल नहीं किया मैंने किसी को, और मैं करना भी नहीं चाहता यार, थोड़ा जाने दो, कोई नहीं यार, ज़्यादा दूर नहीं है, नेक्स्ट टाइम यहाँ रखूँगा पेट्रोल फुल रखूँगा, ऐसी गलती नहीं होने दूंगा, और कोई नहीं। ये देखो ये हैंडल दिख रहा होगा आपको, जैसे कि ये हैंडल टेढ़ा है और ये हैंडल स्ट्रेट है, तो यार ये हैंडल को भी प्रॉपर कराना है अपने को, वो प्रॉपर भी कराता हूँ मैं। और एक्चुअली यार इतना साफ आवाज़, इतने साफ आवाज़ से मैं क्यों बात कर पा रहा हूँ, मीन्स नॉइस नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अभी है ना गाड़ी बंद है, गाड़ी जब स्टार्ट होगी ना जब आपको पता चलेगा गाड़ी का साउंड कैसा है, जब चलोगी जब फिर से देखना आप, गाड़ी जा रही है जा रही है, देखो क्या क्लासिक दिख रहा है कैमरे में, वाह वाह, बनाएंगे अभी आम को अपन। ऐसा एक्चुअली यार पापा ने भी बोला था मुझे, मैं दूँ क्या ऐसा पूछ अगर गाड़ी को, पर मैंने नहीं बोला क्योंकि यार मुझे पता है यार, जब किसी पे कुछ बीतती है ना, जब उसको पता चलता है तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी ये गलती, नेक्स्ट टाइम फुल रखेंगे पेट्रोल, कोई इशू नहीं यार। चलो यार अभी जो जो चीज़ हुई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया प्रॉपरली, क्योंकि यार मेरे साथ कोई था नहीं, और एक तो मेरे पास मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप भी नहीं, क्योंकि अब मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ अभी मेरे साथ। मैं पहले पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल पंप बंद था,
तो फिर वहाँ से मुझे दूसरा पेट्रोल पम्प कम से कम 2 किलोमीटर दूर था, तो यार ढकलना पड़े तो सोचने आ रहा था। तो मैंने जस्ट बीच में कॉल किया दोस्त को, तो उसके पास गाड़ी नहीं थी ऐसा उसने बोला मुझे। हाँ चलो जाने तो कोई नहीं, आखिर में मैं अकेला गया। फिर बीच में एक आदमी मिला मुझे पेट्रोल पम्प के मैक्सिमम 500 मीटर या 200-300 मीटर पहले एक आदमी मिला मुझे। वो बोला मुझे, मैं दूँ क्या बोले पूछ, मैंने कोई इशू नहीं दे दो आप पूछ। तो उसने पूछ दिया मुझे, पेट्रोल पर पेट्रोल भरा मैंने। फिर उसके बाद में एक क्लिप है, इसके बाद में जो आप देखो क्लिप वो कैसी है, प्रॉपर नहीं आई वो मुझे पता है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर बनाऊंगा वो क्लिप। अभी नेक्स्ट टाइम बोले अभी थोड़ी देर में। और कोई नहीं यार, अभी गाड़ी का पेट्रोल भर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इतना कोई इशू नहीं है। गैरेज पे जाने की कोई बात नहीं है, सिर्फ पेट्रोल नहीं था उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो मंदिर कवर करने का अपने को, आज एक मंदिर कवर करता हूँ मैं। अब तो अभी 100 रुपीज़ का ये पेट्रोल डाला है, पर मुझे यार ये अभी जैसी गाड़ी ढकली अगर किया है मैंने, ये सिचुएशन ने ना मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। नेक्स्ट टाइम देखना यार, मैं आपको कुछ दिनों में दिखा दूंगा मेरी गाड़ी की ताकि फुल होगी फुल, और पूरी गाड़ी को प्रॉपर करना है, फिर से रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर मीन्स यार गाड़ी को फिर से पूरे नई बना देंगे यार, धीरे 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 धीरे, टाइम लगेगा पर धीरे धीरे बना देंगे। और एक्चुअली यार ब्लॉग पहले ही बहुत बड़ा बनते जा रहा है यार। कोई नहीं, अपन मेरी गाड़ी पे एक दिन पूरा प्रॉपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे। कोई नहीं, अब मैं गाड़ी की रिलेटेड कुछ बोलने वाला नहीं और ना कुछ बताने वाला हूँ। अपन मंदिर चलते, अब मंदिर वाला एरिया कवर करते, देखते मंदिर कैसा क्या है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करना और लाइक करना यार मेरे चैनल को। मंदिर अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या है वो मंदिर मेरे एरिया में एक्चुअली वो मंदिर, तो कैसा क्या मैं आपको दिखाता हूँ। स्टे ट्यून यार, और आपको एक वीडियो फिर से आएगा, ये वीडियो के बाद ही सिनेमेटिक वीडियो आएगा। कैसा क्या मुझे बताना आप कमेंट में प्लीज। फिर चलते हैं फिर। भोले तेरी नगरी में कोने में पाता हूँ, भूख प्यास सारे दुख भूल जाता हूँ। ये मंदिर है जैसे कि आपने देखा होगा यार कैसा मंदिर था, क्या था यार। मुझे वहाँ के भी लोग अच्छे नहीं लगे यार, वहाँ के लोग अलग ही करते यार। तो मैं सोच रहा था उधर बोलना अगर करना, पर मैंने नहीं ट्राई किया बोलना का, उधर पूरा एरिया लोग रहते हुआ तो मैंने ट्राई नहीं किया। मैं इधर आ गया हूँ, मेरे घर की तरफ एक गार्डन है ऐसा, तो मैं वहाँ आके आपको पूरी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। कुछ नहीं यार, एक्चुअली पहला जैसा टेम्पल था वैसा ये भी टेम्पल था, कोई से सब सेम था। लोग ऐसा देखते जैसे कि क्या मालूम है यार, दिखाने के लिए अगर करने आ रहे, पर कोई नहीं छोड़ो जाने तो यार, अपन एक्सप्लोर करते रहेंगे। मैं कोई चीज़ गलत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वीडियोज़ ले रहा हूँ और कोई नहीं यार। तो अरे यार कोई नहीं, अगर आपको भी ये वाला सिनेमेटिक वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेक श्योर यार लाइक करना और सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल। बनते रहो मेरे चैनल पे, अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो स्टे ट्यून और चैनल सब्सक्राइब करके रखना और पूरे वीडियो देखना। प्लीज़ मेक श्योर लाइक करना यार, मोटिवेशन मिलेगा एक टाइप का। चलो कोई नहीं, यही अपना ब्लॉग खत्म करते। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।